तो नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है कि नमाज के अंदर हम अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो ये जब आप कह रहे होते हैं तो क्या ये आप सिर्फ ऐलान ही कर रहे होते हैं, ख्वाहिश भी इसकी रख रहे होते हैं? तो ख्वाहिश रख रहे हैं तो आपको सीधा रास्ता पता है, मॉरल लॉस तो हर बंदे को पता है, दुनिया के हर इंसान को पता है कि झूठ बोलना गलत है, किसी के पैसा दबाना ये गलत है, तो पता है। जब आप कह रहे होते हैं मुझे अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, फिर अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि इस पे मुझे इस्तकामत दे, नेक लोगों के रास्ते पे चला, बुरे लोगों से के रास्ते से बचा, तो इसका मतलब आप ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो यकीनन आप कोशिश भी कर रहे होंगे। और आप कोशिश ना कर रहे हो, सिर्फ जुबान से ही कह रहे हो, तो सर जुबान से कहने से तो पेट नहीं भरता ना। अगर कोई कहे जी मैं नियत करता हूं आज के खाने की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे कर ले, पेट भर जाएगा? फिजिकली एफर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह नेक बंदे की भी सिर्फ नियत करने से नेक नहीं को बनेगा, जब तक एफर्ट पूरा नहीं।